आर्थिक सुस्ती का सामना करते चीन की इकोनॉमी के कई सेक्टर्स पर संकट मंडरा रहा है। रियल एस्टेट के बाद अब चीन के फार्मा सेक्टर की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। कई बड़ी दवा कंपनियों का चीन से मोह भंग हो रहा है। इसकी एक वजह अमेरिका के साथ चीन के खराब होते रिश्ते भी हैं। दरअसल ग्लोबल फार्मा कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही हैं और ड्रग मेकर्स चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स पर अपनी निर्भरता को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मा कंपनियों के लिए चीनी कॉन्ट्रैक्टर क्लिनिकल ट्रायल्स और शुरुआती फेज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का उत्पादन करते हैं। कम लागत और तेज रफ्तार की वजह से चीन फार्मास्यूटिकल रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दवा कंपनियों की पसंदीदा जगह हुआ करता था, लेकिन चीन के सख्त रवैये और अमेरिका के साथ बढ़ते ट्रेड वॉर के बाद से फार्मा कंपनियों ने चीन से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी है। लेकिन चीन से बढ़ती ये दूरी भारत के लिए एक बड़ा मौका बन सकती है। बायोटेक कंपनियां क्लिनिकल ट्रायल, रिसर्च और आउटसोर्स के लिए भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ काम करने की संभावना तलाश रही हैं। बायोटेक कंपनियों के लिए चीन का आकर्षण घटने की कई वजह हैं। ऐसे में ये कंपनियां चीन की जगह भारतीय कंपनियों के साथ काम करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। भारतीय कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी CDMOs को प्राथमिकता मिल रही है। भारत के प्रमुख CDMO के मुताबिक उन्हें बायोटेक कंपनियों, खासकर पश्चिमी फार्मा कंपनियों से ज्यादा दिलचस्पी देखने को मिल रही है। चीन में कोरोना के बाद से बिगड़े आर्थिक हालात की वजह से अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां चीन से विदा हो रही हैं। ये कंपनियां चीन से अपना पैसा निकालकर दूसरे देशों में लगा रही हैं। इसका काफी फायदा भारत को मिल रहा है और ये चीन का बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। ऐसे में एप्पल, फॉक्सकॉन, माइक्रोन जैसी कंपनियों ने चीन की जगह भारत में निवेश बढ़ाया है। वहीं अमेरिका के दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने भी चीन को झटका देते हुए कहा है कि वो अब ज्यादा से ज्यादा गुड्स भारत से इंपोर्ट कर रहा है। 2023 में जनवरी से अगस्त के दौरान कंपनी ने अमेरिका में किए गए इंपोर्ट्स में से 1/4 भारत से आयात किया है। ऐसे में कभी दुनिया की फैक्ट्री कहलाने वाले चीन के सामने अब अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की बड़ी चुनौती है। चीन के घटते ग्रोथ रेट ने उनके मुश्किलों को बढ़ा दिया है। वहीं चीन अभी कोरोना संकट से संभल भी नहीं पाया था कि रहस्यमयी तरीके से फैल रहे माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू ने इसकी परेशानी को बढ़ा दिया है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।